नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल शराब घोटाले में जांच को आगे बढ़ाते हुए अब प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को समन जारी कर दिया है। 2 नवंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें, 2 बड़ी एजेंसी पूरे मामले में जांच कर रही हैं, एक तो सीबीआई और दूसरी ईडी। सीबीआई ने 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से लगभग 8 से 9 घंटे तक पूछताछ की थी और 16 अप्रैल के बाद अब ईडी ने उनको समन जारी किया है और 2 नवंबर का वक्त मुहैया कराया गया है जब केजरीवाल से सवाल जवाब किए जाएंगे। हालांकि आपको बता दें, ईडी ने केजरीवाल को ये समन ऐसे वक्त में जारी किया है जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है और उनको जमानत नहीं मिली है। इसी के साथ माना तो ये भी जा रहा है कि इस साल सिसोदिया के जेल से बाहर आने के सभी रास्ते लगभग लगभग बंद हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगला नंबर केजरीवाल का है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पर यही चर्चा हो रही है। हर आमो खास यही जानना चाह रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने ये घोटाला किया, या फिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि सब कुछ मोदी सरकार प्री प्लान तरीके से करा रही है, वो सच है। देखना दिलचस्प रहेगा पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन आपको इतना जरूर बता दें कि सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वो पहले से जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन पर लगा है। इसके अलावा जो सुकेश चंद्रशेखर है, जो महाठग है, वो बार बार सत्येंद्र जैन को लेकर और दिल्ली के कई नेताओं को लेकर खुलासे कर रहा है, लेटर बम फोड़ता है। लेकिन इन सबके बीच सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल का नंबर भी लगने वाला है, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये भी याद रखिएगा कि कुछ वक्त पहले संजय सिंह भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए गए थे। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ऐसे में किस किस नेता पर तलवार लटकेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सबके बीच सौरभ भारद्वाज का एक बयान सामने आया है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार केजरीवाल और उनकी टीम को, यानी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है और इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पूरा नोटिस जो ईडी की तरफ से जारी किया गया है, ये ऐसे वक्त में किया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है और आम आदमी पार्टी फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर रही थी। सीबीआई पहले ही समन जारी कर चुकी थी अरविंद केजरीवाल को, पूछताछ उनसे हो चुकी है। बाकी अगर अब की बात की जाए तो अब ईडी ने उनको समन जारी किया है, 2 नवंबर को बुलाया है। पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ये समन जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो केजरीवाल भले ही खुद को और अपनी पार्टी को ईमानदार पार्टी बताते हो, अपने नेताओं को ईमानदार बताते हो, लेकिन जांच की आंच अब उन तक आ गई है और इसीलिए उनको लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। फिलहाल सौरभ भारद्वाज का बयान आपको सुनाते हैं, जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का, इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। पंजाब में तो सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही इनके स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज्यादा है कि बाहर है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटता हो तो पता है कि आशीर्वाद किसका था, किसके कहने पे भ्रष्टाचार हो रहा था और पूरा षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा था।